तो यार देखो, तुमने कहीं ना कहीं तो किसी ब्राजीलियन प्लेयर को देखा होगा कि वो हेडशॉट मारने के बाद अपने एम को अपने पिछवाड़े पे लॉक कर देता है। तो अगर तुम भी यहाँ पर कंफ्यूज हो कि वो बंदा क्या दिखाना चाहता है, तो दरअसल यहाँ पर वो बंदा एक फ्री स्टाइल मूवमेंट को कर रहा है जिसका नाम है 1P गेलो ट्रिक। अब यार पहली बार इस ट्रिक को देखने के बाद मैं भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह गया था। तो दरअसल बात है कल रात की, जब मैं सोने के लिए जा रहा था, सोने से पहले मैं जब मोबाइल चला रहा था मेरे सामने ये वाला वीडियो आया। तो जब मैंने इस वाले वीडियो को चलाया तो मुझे दिखा कि ये प्लेयर बार बार फायर करने के बाद यहाँ पर वीडियो को पोस्ट कर दे रहा है। पता नहीं वो क्या दिखाना चाहता है। और इस वाले वीडियो को देखने के बाद मैं भी बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया कि इस ट्रिक को किस तरह से करना है। उसके बाद यूट्यूब पे बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे मिला ये वाला वीडियो। और फिर इस वाले वीडियो को पूरा देखने के बाद फाइनली मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि यार वो वाला बंदा यहाँ पर जादू की भाषा में बात कर रहा था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम खुद ही देख लो। अब यार इस वीडियो को देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा उदास हो गया और मेरे दिमाग में कुछ पल्ले तो नहीं भरा, लेकिन इस ट्रिक को मुझे सीखना था यार। फिर मैं सारे समस्याओं को लेकर चला गया अपने चंचल बाबा के पास। सारे समस्याओं का हल बाबा चंचल। जा बच्चा, अपने पिछवाड़े को खुजा कर सुन के गेम प्ले कर, तेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फाइनली चंचल बाबा के आशीर्वाद के साथ मैंने इस ट्रिक को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली मैंने इस ट्रिक का तोर निकाल ही लिया। तो यार देखो, ये जो ब्राजीलियन प्लेयर होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। अब तुम इसी बच्चे को देख सकते हो। इस बच्चे का बचपन से सपना है कि बड़ा होकर बहुत ही बड़ा फोटोग्राफर बनेगा। अब तुम इसका क्रिएटिविटी खुद ही देख लो। तो यार देखो, इस ट्रिक को करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप जंप करते हो तो उस टाइम पे जंप करने के साथ साथ आपका करेक्टर जैसे जमीन को टच कर रहा होता है, तो उस टाइम पे आपको अपने जॉयस्टिक को जो है आगे की तरफ मूव करना है। मूव करने के साथ साथ आपका करेक्टर का पैर जमीन पे टच करने से पहले आपको फायर बटन को ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के साथ साथ जैसे आपका फायर हो जाता है, इंस्टेंटली आपको अपने ग्लूअल बटन पे प्रेस करना है। टैप करने के साथ साथ आपको अपने फायर बटन को छोड़ना नहीं है, आपको अपने फायर बटन को एकदम पूरा स्क्रीन के ऊपर तक एकदम फास्ट ड्रैग करना है, बहुत तेज। जैसे आप ड्रैग करोगे ना, तो आपका यहाँ पर ए वाला मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब यार आप जब इस ट्रिक को पहली बार परफॉर्म करने जाओगे तो आपसे नहीं किया जाएगा। आपका 1P ट्रिक जो है कुछ इस तरीके का आएगा या फिर कुछ इस तरीके का। अब यार देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक है। अब यार इस तरीके का प्रॉब्लम हमें तब देखने को मिलता है जब हम फायर करने के बाद बहुत ज्यादा लेट ग्लूअल पे टैप करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे ग्लूअल बटन पे स्विच करना पड़ेगा। आप जैसे ही फायर करते हो तो इंस्टेंटली आपको अपने ग्लूअल बटन पे क्लिक करना है। अब यार यहाँ पर बहुत सारे बंदे का ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब अगर आप भी इस वाले प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो यहाँ पर आप एक गलती कर रहे हो कि आप जब फायर बटन को ड्रैग कर रहे हो ना, तो आप फायर बटन को बहुत ज्यादा फास्टली ऊपर की तरफ ड्रैग नहीं कर रहे हैं। आप अपने फायर बटन को थोड़ा सा ड्रैग करके छोड़ दे रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना, आपको एकदम पूरा अपने फायर बटन को आसमान तक ड्रैग करना है और आपको बहुत ही फास्टली ड्रैग करना पड़ेगा। धीरे धीरे करोगे तो ये वाला ट्रिक नहीं हो पाएगा आपसे। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, क्योंकि यार मैं उन बंदों में से नहीं हूं जो कि यार व्यूज के लिए एडवांटेजेस बता के भाग जाते हैं। मैं आप सभी को डिसएडवांटेज भी बताता हूं एंड देन उसका सलूशन भी आप सभी को देता हूं। अब जो यहां पर तीसरा वाला मिस्टेक है वो मेरे दोस्त की तरह आप बिल्कुल भी मत करना। क्यों भाई, तू क्यों अब प्यासी जवानी बनकर घूम रहा है? भाई अपने करेक्टर को तो बाहर से बहुत देख लिया, लेकिन अंदर से कैसा दिखता है वो मैं चेक कर रहा था। तो अगर आप भी अपने फ्री फायर के अंदर मेरी तरह ब्लड इफेक्ट लाना चाहते हो तो आप इस वाले वीडियो को जरूर से वॉच करना। मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। स्वेयर बाय।